कोरोना की इस ग्लोबल पैंडेमिक में जिस देश ने दुनिया का सबसे तेज वैक्सीनेशन प्रोग्राम चलाया वो देश है। आज जो देश दुनिया की फास्टेस्ट ग्रोइंग लार्ज इकोनॉमी है वो है। आज जो देश दुनिया में नंबर वन स्मार्टफोन डेटा कंज्यूमर है वो देश है। आज जो देश फिनटेक एडॉप्शन रेट में नंबर वन है वो देश है। आज जो देश मिल्क प्रोडक्शन के मामले में दुनिया में नंबर वन है वो देश है। आज जो देश इंटरनेट यूजर्स की संख्या में दुनिया में नंबर दो पर है वो है। आज जो देश दुनिया का सेकंड लार्जेस्ट मोबाइल मैन्युफैक्चरर है वो देश है। आज जो देश राइस वीट शुगर कैन प्रोडक्शन के मामले में दुनिया में नंबर दो पर है वो है। आज जो देश फ्रूट और वेजिटेबल प्रोडक्शन में दुनिया में नंबर दो पर है वो है। आज जिस देश में दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम है वो है। दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा ऑटोमोबाइल मार्केट जिस देश में है वो देश है। दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा सिविल एविएशन मार्केट जिस देश में है वो देश है। और अब जो देश अगले 25 साल में विकसित होने के लक्ष्य के साथ आगे बढ़ रहा है वो देश है। साथियों, आज IMF भारत को ग्लोबल इकोनॉमी का ब्राइट स्पॉट मानता है। वर्ल्ड बैंक का विश्वास है कि ग्लोबल हेडविंड्स को अगर कोई चुनौती दे रहा है तो वो भारत है। आज दुनिया के कई देशों में बैंकिंग सिस्टम पर संकट है, लेकिन दूसरी तरफ भारत के बैंकों की मजबूती की आज चारों तरफ प्रशंसा हो रही है। दुनिया में 100 साल में आए सबसे बड़े संकट के बीच भारत ने बीते वर्ष रिकॉर्ड एक्सपोर्ट किया है। आज हमारा फॉरेक्स रिजर्व नई बुलंदियां छू रहा है। फ्रेंड्स, भारत ग्लोबल गुड के लिए कैसे काम कर रहा है इसका उदाहरण हमारा डिजिटल स्टैक है। भारत के फिनटेक रिवॉल्यूशन से भलीभांति परिचित है। आपको याद होगा जब मैं 2014 में यहां आया था
तब मैंने आपसे एक सपना साझा किया था। मेरा वो सपना था कि भारत में गरीब से गरीब का अपना बैंक खाता हो। आपको गर्व होगा दोस्तों, आपको गर्व होगा कि पिछले 9 वर्ष में हमने करीब 50 करोड़ भारतीयों के यानी करीब 500 मिलियन बैंक अकाउंट खोले हैं।